नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद एक के बाद एक खतरात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। बात यह हो रही थी कि डिफेक्शन कब होगी, कब लोग मुनरफ होंगे, पार्टी छोड़ के जाएंगे, पार्टी कमजोर होगी और शायद इतनी पार्टी कमजोर हो जाए कि जल्द इलेक्शन भी करवाना पड़े। लेकिन एक के बाद एक खतरा टला है और जो उम्मीद थी ऑपोजिशन की, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब इस नाअहली के बाद और इन खतरात के बाद नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी, नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो जाएंगे, उनका खानदान सियासत से माइनस हो जाएगा। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि नवाज शरीफ की सियासत अब दफन हो गई। नवाज शरीफ आप माइनस वन हो गए हो, अभी करो माइनस वन हो चुके हो, तुम्हारी सियासत की कब्र खुद गई है, बल्कि वो दफनाई गई है, उस कब्र के ऊपर पौधे भी उगने शुरू हो गए हैं, तुम माइनस वन हो चुके हो। मियां साहब के खानदान को सियासत में नहीं देख रहा फ्यूचर। नवाज शरीफ की सियासत को पट्टा डालने जा रहे हैं ये हुदैबिया के चोर, ये LNG के चोर, ये पनामा के चोर, ये मनी लॉन्डरर सब इंशाअल्लाह ताला जेलों के पीछे होंगे। इमरान खान साहब फरमा रहे थे सियासत दफन हो गई है नवाज शरीफ साहब की, बल्कि कब्र पे अब पौधे भी उगना शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।